स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी मंत्री मौजूद रहे इस बैठक में, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक थी जो कि खत्म हो गई है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत हुई थी, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक खत्म हुई और इस बैठक में कई मुख्य एजेंडों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दिशा निर्देश भी तमाम मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने जारी किए। मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये पहला मौका जब कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी यही है कि बैठक खत्म हो चुकी है, कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी यहां पर तैयार की गई। इसके साथ ही कई अहम मुद्दे जनता के हित में, इसके साथ ही जो भी मैनिफेस्टो में बड़ी बातें कही गई थी बीजेपी की ओर से, उन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। तो मोहन कैबिनेट की बैठक की समाप्ति हो चुकी है। सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चेतन कश्यप जी हमारे साथ मौजूद, चेतन बात करते हैं। सर, कैबिनेट आज पहली बैठक रही मंत्री शपथ के बाद, क्या कुछ अंदर रहा? आज अनौपचारिक बैठक थी और मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को कहा कि लोकसभा के चुनाव में बहुत कम समय है और हमें लोकसभा की 29 सीटों को जीतने का संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, तो हमारी सक्रियता तत्काल बढ़ाना चाहिए। मोदी वचन को लेकर भी अंदर चर्चाएं हुई सर, कि संकल्प पत्र जो था उसको आगे लेके जाना है आप लोगों को। वो तो हमारा ध्येय है ही संकल्प पत्र का, आज की सारी कार्यप्रणाली और जनरल सामान्य रूप से सब चर्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? मैं तो मुख्य तो लोकसभा चुनाव में सक्रियता बढ़ाना और जीतना। जी, तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे चेतन कश्यप। साफ तौर पर मेरा कहना है कि लोकसभा चुनाव सहित तमाम संकल्प पत्र को लेकर अंदर चर्चा की गई है। आज चूंकि पहली मंत्रिमंडल की विस्तार की बात की, पहली बैठक थी, इसलिए तमाम मंत्रियों से संवाद भी स्थापित किया गया और आने वाले समय का रोडमैप भी तैयार किया गया। वीडियो आशुक आतुशर्मा, न्यूज़ 8, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। ये पहली कैबिनेट की बैठक और मोहन कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो, लोकसभा चुनाव के तहत एजेंडा तैयार किया गया, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या कुछ रणनीति तैयार करनी है, ताकि जो एक सीट लोकसभा की बची हुई है बीजेपी के खाते में आने से, वो सीट भी बीजेपी के खाते में आए और 29 की 29 सीट लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत पाए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी मंथन किया गया। मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए गए थे, संकल्प पत्र में जो जो वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से, उन वादों का अब क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, जनता तक उसका लाभ किस तरीके से पहुंचे, इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। सभी मंत्री इस दौरान कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मोहन कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, सीएम मोहन यादव समेत तमाम मंत्रियों की मौजूदगी। कल भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी जहां पर 28 जो विधायक थे मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली बैठक कैबिनेट की। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई मुख्य एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। तमाम मंत्रियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव विचार विमर्श करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बैठक के अंदर की, ये पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल बैठक समाप्त हो चुकी है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अतुल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अंदरखाने से जानकारी, किन किन मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी जो करीब 40 मिनट तक चली। तमाम मंत्री इस बैठक के अंदर रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। देखिए, खासतौर पे जिस तरीके से तमाम मंत्री जो बाहर निकले, जिनने मीडिया से चर्चा की, उनका यही कहना था कि संकल्प पत्र को लेकर खासा अंदर चर्चा की गई। उसके साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको लेकर भी बैठक के अंदर चर्चा की गई। देखिए, स्पष्ट तौर पर सरकार की जो मंशा है कि चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के बीच में बीजेपी
बीजेपी लेके आई है उसको पूरा करना है और जो समय निर्धारित किया गया है उस समय निर्धारित के अंदर ही संकल्प पत्र को पूरा करना होगा। मोदी वचन को लेकर खासा गंभीरता सरकार दिखा रही है क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने मोदी वचन का जिक्र किया था मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में और अब उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कैबिनेट मोहन सरकार की जो कैबिनेट है वो लग चुकी है। कैबिनेट बैठक के अंदर साफ तौर पर एजेंडा सेट किया गया कि कितने समय में कौन सी योजनाओं को आगे लेके जाना पड़ेगा, जो नई संकल्प पत्र में जो नई योजनाओं का जिक्र किया गया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, युवाओं के लिए जो वादे किए गए हैं उसको कैसे पूरा किया जाएगा। कोई खास तौर पर देखिए जिस तरीके से मध्यप्रदेश के अंदर खासा रोजगार को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा माहौल तैयार किया गया था उसके दौरान बीजेपी ने यह वादा किया था कि मध्यप्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, उसका क्या खाकत रहेगा, किस तरीके से प्राइवेट और निजी सरकारी क्षेत्र में ये रोजगार के अवसर पैदा करने हैं उन तमाम इस बात को लेकर आज कैबिनेट के अंदर चर्चा होती हुई दिखाई दी। देखिए इसके साथ में आदि आबादी को लेकर भी खासी चर्चा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी लगातार संवाद कर रही है, चर्चा कर रही है। संकल्प पत्र में भी कहीं ना कहीं इसकी एक तस्वीर देखने को मिली थी, लाडली बहना योजना, इसके साथ में स्व सहायता समूह को लेकर किस तरीके से सशक्त किया जाएगा, ये तमाम इन चीजों को लेकर आज कैबिनेट के अंदर चर्चा की गई, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसके साथ में देखिए महत्वपूर्ण अगर हम देखें मध्यप्रदेश में चिकित्सा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर मोहन यादव काफी गंभीर देखे हैं। साफ तौर पर उनका यही मानना है कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसको व्यवस्थित होना चाहिए, उनकी जो क्षमता है स्वास्थ्य की वो स्वास्थ्य जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाना होगा। ये तमाम तौर पर ये खास तौर के ऊपर ये विभागों का बंटवारा भी यहाँ पर हो सकता है, तो क्या उसे लेकर कुछ विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया, चर्चा की गई? देखिए विवाह को लेके दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है और यही कयास लगाए जा रहे हैं और अंदर खाने की खबर यही है कि आज देर शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। देखिए सरकार के सामने और खास तौर पे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने चुनौती यह है कि तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े जो चेहरे हैं, जो मध्यप्रदेश में बीजेपी की रीति नीति और दशा दिशा तय करते हैं, वो इस समय मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल के अंदर शामिल है, तो उनके ऑरा के मुताबिक उनको विभाग दे रहा। इसके साथ में युवा जोश जो पहली बार जीत के आए हैं उनको भी मंत्रिमंडल के अंदर लिया गया है, उनको कौन सा विभाग दिया जाए, तमाम देखिए कहीं ना कहीं चुनौती थी जिसको लेके हमने पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे, तमाम आला नेताओं से मुलाकात की, उनसे चर्चा भी करी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के उनसे भी उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने पूरी तस्वीर सामने देखी कि मध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल और विभाग इस तरीके से हो सकते, पूरी तस्वीर सामने निकाल के रखी है। हालांकि अब ये जो हमारे पास अंदर खाने से खबर आ रही है उसके अनुसार देर रात तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। तमाम जो बड़े नेता है जिसमें प्रहलाद पटेल की हम बात करें, राकेश सिंह की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इनको बड़े विभाग दिए जा सकते हैं, गृह मंत्रालय जैसे तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं विभाग जो है वो उनको दिए जा सकते हैं, इसको लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बहरहाल जब मंत्रिमंडल का विभाग को बंटवारा होगा उसी के बाद तमाम जो चीजें हैं तस्वीर स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगी, लेकिन इस बात को जरूर हम जिक्र कर सकते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण हम इसलिए लगातार कह रहे हैं क्योंकि आज से सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि एक्शन लिए जब मुख्यमंत्री ने शपथ तुरंत बाद कई बड़े फैसले लिए, लेकिन विधिवत तौर से सरकार का गठन होने के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उनकी तमाम मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी, सुचारू रूप से इसको चलाई गई, आगे का रोड पे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसके साथ में तय किया गया निर्धारित समय तय करना होगा, एक समय सीमा में अपने आप को बांधना होगा, जो एक योजना है वो योजना को धरातल पे लेके किस समय तक लेके जाएंगे, एक समय बॉन्ड रखने की बात की गई, टाइमिंग बॉन्ड रखने की बात की है, तमाम इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर विस्तार से चर्चा होती हुई दिखाई थी। हालांकि कैबिनेट की बैठक थी या फिर इसमें पूरा मंत्रिमंडल शामिल था? देखिए विधिवत तौर से ये इसको हम कैबिनेट की बैठक कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एजेंडा जो था वो कोई एजेंडा नहीं था, शुरुआत की पहली बैठक थी, इसलिए मेल मिलाव के साथ ये तय किया गया कि सरकार का आगे का किस प्रकार से काम होगा। हालांकि कुछ मंत्री इसके अंदर नहीं पहुंचे थे और निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी पूर्व में मुख्यमंत्री को दे दी गई थी और तो उसके बाद उनकी अनुमति लेने के बाद अनुपस्थित रहे, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधिवत तरीके से तमाम जानकारियों के बाद वो अनुपस्थित रहे और अब जो तमाम जो दूसरे मंत्री बिल्कुल जाहिर तौर पर अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है और जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि शाम तक विभागों का बंटवारा, जो भी मंत्री बनाए गए हैं उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाकर रखिए। बढ़ते आगे कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के